Audio Jungle. अध्यक्ष जी, आज महिला सशक्तिकरण पे जो आपने कांग्रेस आई ने एक कार्यक्रम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महिला किस तरह से कुचली हुई है, उसके लिए आपकी कांग्रेस कमेटी किस तरह से जो है कार्य कर रही करेगी? धन्यवाद। जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आपने किया है, ये बहुत अच्छी सोच है। इसके बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से इसको बढ़ावा दिया जाए, किस तरह जो महिलाओं को जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो, इसके लिए आप क्या करना चाहती हैं? विश्व में जाने जाते हैं इसके लिए। महिला दिवस तो एक मौका है जिस पर मैंने कुछ एक महिलाओं को सम्मानित किया है जो विभिन्न क्षेत्रों में परांगत हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। मेरा संदेश है तमाम देशवासियों को, समाज में, कि महिला को कमजोर न समझें, उनको पूरी स्वतंत्रता दें, उनको इतनी आज़ादी और एजुकेशन देना चाहिए कि वह समाज में अपना एक मुकाम, एक स्थान बनाए। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जो शक्ति महिलाओं में होती है उससे वो बड़े से बड़े भी तूफान का सामना बहुत अच्छे से कर सकती है। मैं तो शायद सिर्फ एक जरिया बनी हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। मुझे लगता है कि ऐसे सब महिलाओं को एकजुट होकर के महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। मैं खुद जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ और इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की उपाध्यक्ष हूँ। अपना फाउंडेशन है मेरा बीन वुमन फाउंडेशन, जिसके मैं चेयरपर्सन हूँ। मेरे इन जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं किसी पद और सिर्फ सम्मान के लिए नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है एक नारी होने के नाते, और एक पद जो बाहर आपको दिया जाता है उसको आप अवश्य पूरा करें। और उसी मुहिम में मैं लगी हुई हूँ, चाहे वो महिलाओं को न्याय दिलाना हो, चाहे जहाँ कहीं भी अगर कहीं से आपदा हो जाती है या कुछ ऐसे आर्थिक विपदा आ जाती है जहाँ पे एक कोई पर्टिकुलर समाज उससे सफ़र कर रहा होता है, मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ, महिलाओं के पूरे हुजूम के साथ वहाँ पहुँचती हूँ, कोशिश करती हूँ और यथाशक्ति माता रानी की कृपा से उनकी मदद करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। ये मेरा भरसक प्रयास है और ये कायम रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल विंदा।
करें।